आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के बैकग्राउंड। ये देख रहे हो, इस ये रहा मेन मेनू का बैकग्राउंड, इसे हम चेंज करने वाले हैं। हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाके रिसोर्स पैक में जाके हम नीचे जाएंगे। ये रहा हमारा जंबो मेनू बैकग्राउंड, इसे हम एक्टिवेट कर देंगे। ये रहा हमारा एक्टिवेट हो गया, रिसोर्स पैक एक्टिवेट हो गया है। अब हम बैक करेंगे तो अब ये थोड़ी देर लोडिंग ले रहा है। अब ये देखो माइनक्राफ्ट लेजेंड का बैकग्राउंड आ गया पीछे की। माइनक्राफ्ट का पूरा थीम ही चेंज हो गया है, ये देख सकते हो। और हम इसे चेंज भी कर सकते हैं रिसोर्स पैक में जाके, इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करके। ये देखो इस तरह से हम इसे यहाँ कर देते हैं और हम बैक करते हैं। थोड़ी देर लोडिंग ले रहा है। ये माइनक्राफ्ट 1.19 की बैकग्राउंड थीम, और इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाके रिसोर्स पैक में जाएंगे और इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करके हम बदल सकते हैं 1.18। ओके, ये है 1.18 वाला। ये रहा केवन क्लिप्स वाला ये बैकग्राउंड है। अब हम जाएंगे फिर से उसे, लोडिंग ले रहा है के रिसोर्स पैक में जाके सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम आखिर में आएंगे ड्रैगन फ्रूट वाला। अब हम पीछे बैकग्राउंड लगाते हैं। ये रहा ड्रैगन फ्रूट वाला बैकग्राउंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड बाय बाय।